हम अक्सर जोड़ों की लचीलापन और गतिशीलता को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होते हुए सुनते हैं। क्या इनमें कोई अंतर है? आइए जानें। लचीलापन मांसपेशियों की खिंचाव और लंबाई की क्षमता और किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध गति की सीमा है। दूसरी ओर गतिशीलता इस लचीलेपन को बनाए रखने की ताकत है। यह गति की वह सीमा है जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। लचीलापन निष्क्रिय है जबकि गतिशीलता सक्रिय है। चोट से मुक्त रहने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के जोड़ों में गतिशीलता का होना जरूरी है। लचीलापन और गतिशीलता एक साथ काम करते हैं। अच्छी गतिशीलता के लिए आपके पास अच्छा लचीलापन भी होना चाहिए। योग में 1000 से भी ज्यादा आसन है और ज्यादातर योग आसन कई मांसपेशीय समूहों के साथ एक साथ काम करते हैं। मोड़, झुकाव और घुमाव यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी मांसपेशियां एक इकाई के रूप में एक साथ काम करना सीखें। ये आसन मुख्य और साथ ही जोड़ने वाली मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं और उन पर काम करते हैं, जो आपकी मांसपेशियों को एक ही समय में मजबूत और लचीला बनाने में मदद करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही योग विधि को बताने जा रहे हैं जो आपको कई चमत्कारिक लाभ दे सकता है। आज हम आपको पार्श्व हस्त बालासन करने की विधि, इसके लाभ, वैसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। पार्श्व हस्त बालासन करने के लिए सर्वप्रथम एक स्वच्छ और समतल जगह पर एक दरी, चटाई, कंबल या योगा मैट बिछा लें। अब उस पर वज्रासन में बैठ जाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से बालासन की स्थिति में आएं। थोड़ी देर इस स्थिति में विश्राम करें, फिर इस तरह से हाथों का सहारा लेते हुए शरीर को कमर से मोड़ते जाएं। जहां तक मोड़ सकते हैं मोड़ें, फिर उस स्थिति में भी कुछ देर विश्राम करें, फिर पुनः बालासन की स्थिति में इस तरह आ जाएं और कुछ देर विश्राम करें। पुनः यह क्रिया दूसरी ओर भी करें। दोनों ओर से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 5 चक्र तक करें, अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता है वे अपने शरीर में जहां भी तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां पर रखें। पार्श्व हस्त बालासन कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय विश्राम को दें। विश्राम के लिए वज्रासन सबसे अच्छा रहेगा, जिसमें इस आसन को करने पर जिन मांसपेशियों को तनाव होता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करती हैं। पार्श्व हस्त बालासन बच्चों जैसा लचीला शरीर देने में सक्षम योगाभ्यास है। कोर की मांसपेशियां एक साथ सक्रिय होती हैं, जो रीढ़ को स्थिरता लाने में मदद करती हैं। आंतरिक अंग और उत्तेजना को प्रभावित करता है। इस मुद्रा में घुमाव पेट की मांसपेशियों को प्रभावित करती हैं, जो आंतरिक पेट के दबाव से उन्हें उत्तेजित कर आंतरिक अंगों, छाती और पेट की रक्षा करती है। आपकी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह स्ट्रेच होने का मौका मिलता है। इससे आपकी पीठ की सभी समस्याओं में राहत मिलती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित युवा और निरोग बना रहता है। चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याएं नहीं होती हैं और अभ्यासकर्ता का मूड भी अच्छा बना रहता है। मस्तिष्क और चेहरे की ओर रक्त का प्रवाह तेज होता है, जिससे मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज होती है। चेहरे की कांति व चमक में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि होती है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही आसन है जो लगातार तनाव और तनाव का सामना कर रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने ऊपरी शरीर, गर्दन और कंधे में तनाव रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि रीढ़ के माध्यम से मोड़ नकारात्मक ऊर्जा को निचोड़ने में मदद करता है। शारीरिक और मानसिक तनाव यह आसन दोनों को मुक्त करता है और इसे एक नए पोषण के लिए तैयार करता है। यह प्रयास और सहजता के बीच संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा आसन है। कमर की मांसपेशियों को भी आराम देता है और आसन कब्ज को भी दूर करता है। पीरियड्स के समय होने वाली समस्याओं जैसे कमर में दर्द, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, पेट फूलना, चिड़चिड़ापन से तो हर महिला को गुजरना पड़ता है। रोजाना अभ्यास करने से इस तकलीफ में भी जरूर आराम मिलेगा। पार्श्व हस्त बालासन एक सौम्य आसन है, जिसमें धड़ के माध्यम से एक मोड़ शामिल होता है, जबकि शरीर और मन आगे की ओर झुकने के सुखदायक लाभों का अनुभव भी करते हैं।
यह नाम संस्कृत के पार्श्व से लिया गया जिसका अर्थ है घूमना। हस्त का अभिप्राय हाथ से है तथा बाला जिसका अर्थ बच्चे से है और आसन जिसका अर्थ है मुद्रा। चूंकि इस आसन में हाथों के द्वारा शरीर को मोड़कर बालासन में स्थित हुआ जाता है इसलिए इसे पार्श्वहस्त बालासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हैंड टू द साइड चाइल्ड पोज कहते हैं। चक्रों का उपयोग इस जीवन ऊर्जा से विभिन्न तरीकों से जुड़ने में मदद करने के लिए माना जाता है। योग शरीर में ऊर्जा लाने और इसे चक्रों के माध्यम से ले जाने के लिए श्वास और गति का उपयोग करता है। पार्श्वहस्त बालासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, लगभग सभी चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। नितम, घुटनों व मेरुदंड के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। कलाई व टखनों में चोट या रोग हो तो उस दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास न करें। जिनके पिछले एक वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। पार्श्वहस्त बालासन को एक सरल लेकिन प्रभावी योगासन के रूप में जाना जाता है। यह नए अभ्यासकर्ताओं के लिए एक उचित योगासन है जिससे गर्दन, पीठ, छाती, कमर और कूल्हों की मांसपेशियों में खिंचाव मिलता है। तो यह था पार्श्वहस्त बालासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।